मेरे बच्चे और बच्चे, जय स्वामीनारायण। आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, भारत की विरासत। विरासत यानी क्या, हम पढ़ चुके हैं चौथे पार्ट से। विरासत हमने चालू किया था तो हम पढ़ चुके हैं। विरासत यानी हमारे पूर्वजों की तरफ से हमको जो मिलता है वो विरासत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भारत की विरासत है इसके बारे में हमको जानना है। इस चैप्टर के अंदर तीन ही चीज़ याद रखनी है, एक तो संस्कृति के बारे में पूछा गया है, दूसरा भारत की दो प्रकार की विरासत है प्राकृतिक और सांस्कृतिक, और उसको संरक्षण करना है, और कुछ इसमें देखना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत का स्थान और विस्तार, इसमें कक्षा 9 में आप ये सब अध्ययन कर चुके हैं। इसमें मोस्ट टाइम की लाइन यहाँ पे जो लिखा है, प्राचीन समय का भारत बहुत विशाल था और वर्तमान समय में भी भारत विस्तार की दृष्टि से विश्व में 7वें क्रम एवं जनसंख्या की दृष्टि से 2रे स्थान पर है। ये आईएमपी लाइन है, ये आप अंडरलाइन कर देना। यहाँ पे जो वैविध्यपूर्ण विरासत है वो टॉपिक पूरा वो एग्जाम में आता नहीं है। ठीक है, ये बस ऐसे जानकारी के लिए दिया है तो वो नहीं पढ़ेंगे। इसके नीचे वाला जो पैराग्राफ है वो पढ़ लेते हैं। संस्कृति का अर्थ, संस्कृति का अर्थ क्या है, तो संस्कृति अर्थात जीवन जीने की कला, जीवन कैसे जिया जा सकता है वो कला हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है, उसको संस्कृति कहते हैं। तो देश या समाज में समय समय पर बदलते संयोगों के अनुसार जनजीवन में आने वाले परिवर्तन, सुधार, सामाजिक नीति रीति इत्यादि द्वारा भिन्न भिन्न समाजों की संस्कृति बनती है। संस्कृति अर्थात मानव मन की उपज और उसमें मानव समाज की आदतें, मूल्य, आचार विचार, धार्मिक परंपराएं, रहन सहन और जीवन को उच्चतम उद्देश्य तक ले जाने वाले आदर्शों का योग, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो संस्कृति, भारत की संस्कृति के बारे में समझाइए, ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर इतना पैराग्राफ को लिखना रहेगा। ठीक है, अभी भारतीय संस्कृति की विरासत, तो दो प्रकार की विरासत है, एक तो प्राकृतिक और सांस्कृतिक। तो प्राकृतिक विरासत के बारे में जान लेते हैं। प्राकृतिक विरासत तो बहुत सारी है, यहाँ पे चार विरासत दिया है, भूदृश्य, नदी, वनस्पति जीवन और वन्य जीवन। तो पहला भूदृश्य को देखते हैं, तो भूमि आकार द्वारा अनेक भूदृश्य का सर्जन देखने को मिलता है, जैसे हिमालय पर्वत भूमि आकार है, हिमालय में अनेक प्रकार की उपयोगी वनस्पति, खनिज, अद्भुत पशु पक्षी और शिखर बर्फ से धीरे रहते हैं, जिनमें बड़ी नदियाँ बारह मास भरपूर पानी से समृद्ध रहती है, तराई के जंगल भी वहाँ स्थित है। हिमालय में अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे यात्रा स्थल, नंदादेवी जैसे शिखर भी है। भारत के लिए हिमालय बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है नदी, रिवर। तो प्राचीन काल से नदियाँ प्राकृतिक मार्ग के रूप में उपयोगी रही है। भारतीय संस्कृति सिंधु और रावी नदी के किनारे विकसित हुई है। सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती, नदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसे लगभग सभी नदियों ने भारतीय लोक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। पीने का पानी, अन्य काम के लिए उपयोगी पानी, सिंचाई, बिजली, कृषि, निर्माण जैसे हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में नदियों का स्थान प्रमुख है। इसके उपरांत मिट्टी के बर्तन, मकान, लिपाई, पुताई तथा उद्योगों के विकास के लिए भी मानव को नदियों के पानी पर आधारित रहना पड़ा है। इस तरह नदियों ने भारतीय प्रजा जीवन को समृद्ध बनाया है। अपनी संस्कृति में प्राचीन काल से नदी तट की ऊषा और संध्या के विविध भूदृश्य द्वारा भरपूर सौंदर्य, कला की समझ और कौशल का विकास भी संस्कृति की विरासत में मिला है। इसलिए हमने नदियों को लोकमाता का सम्मान दिया है। नदियों को लोकमाता कहा जाता है, वो प्रश्न एक नंबर का आता है, तो ये आप ध्यान रखना। तीसरा है वनस्पति जीवन। भारतीय प्रजा आदिकाल से पर्यावरण प्रेमी रही है, जिसका प्रमाण उसका पुष्प प्रेम और पौधों के प्रति आदर है। मनुष्य, प्राणी, पशु पक्षी भोजन के लिए वनस्पति पर आधारित है। भारत में बरगद, पीपल, तुलसी आदि की पूजा धूपदीप किया जाता है। वर्षावित्र व्रत में बरगद पूजा की जाती है। अनाज, दलहन, तिलहन के पौधों, धन धान्य से लहराते खेतों, वन में समृद्धि से पूर्ण जंगलों और औषधियों के लिए उपयोगी पौधों ने अति प्राचीन काल से हमारे जीवन को समृद्ध बनाया है। हरा हरड़, बहरा बरेड़ा, आंवला, घी कुंवर, अड़ूसा, नीम आदि औषधि तथा मोगरा, गुलाब, कमल, गेंदा, सूर्यमुखी, चंपा, निशिगंधा, जूही आदि पुष्पों ने मानव जीवन को खूब सुंदर, सुवासित, नीरामय, समृद्ध बनाया है। इस तरह भारतीय सामाजिक और धार्मिक जीवन पर वनस्पति को खूब प्रभाव रहा है। वन्य जीवन। तो प्राचीन समय से भारत देश प्रकृति प्रेमी होने के साथ साथ प्राणी प्रेमी संस्कृति वाला देश है। वाघ, सिंह, हाथी, गेंडा, सियार, भालू, हिरण, सांभर, खरगोश, अजगर, सांप, नाग, नेगला, गो, साही जैसे अनेक जीव देखने को मिलते हैं। विश्व में इसे सिंह केवल गुजरात के गिर के जंगल में देखने को मिलते हैं।
अपनी धार्मिक मान्यताओं में लोगों ने बाघ, मोर, मंगल, गरुड़ जैसे कुछ वन्य जीवों को देवी देवता के वाहन के रूप में स्थान दिया है। अपनी राष्ट्र मुद्रा में भी चार सिंह, घोड़ा, हाथी तथा बैल की आकृति रखकर उन्हें महत्व प्रदान किया है। इन वन्य जीवों की रक्षा के लिए अभ्यारण्य बनाकर उनके जीवन की सुरक्षा के लिए कानून भी बनाए गए हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत, तो सांस्कृतिक विरासत भी बहुत सारा है। यहाँ पे सांस्कृतिक विरासत में यहाँ पे चित्र दिया है, जैसे यहाँ पे जो पुरुष का शिल्प दिया है, ठीक है, और नीचे यहाँ पे अशोक का शिला लेख, तो वो हमारी सांस्कृतिक विरासत है। ऐसे बड़े बड़े जो होते हैं स्थिर स्थापत्य स्मारक वगैरह, वो सब क्या कहते हैं, वो सब क्या होता है, सांस्कृतिक विरासत के स्थल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्थल भी बहुत है गुजरात में। गुजरात की जो सांस्कृतिक विरासत वो देखते हैं। भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, इसमें यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे लिखा है, तो वो आप पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ आया ऐसा है नहीं परीक्षा के अंदर, लेकिन गुजरात की सांस्कृतिक विरासत वो परीक्षा में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो वो हम देख लेते हैं। तो सांस्कृतिक पौराणिक और पुरातत्वीय महत्व रखने वाले स्थलों में लोथल द्वारका तहसील है, यहाँ पे पास में ही है। रंगपुर लिमड़ी तहसील सुरेंद्रनगर जिला, धोलावीरा कच्छ जिला, रोजड़ी तथा श्रीनाथगढ़ राजकोट जिला वगैरह मुख्य है। वडनगर का कीर्ति तोरण, जूनागढ़ में स्थित अशोक का शिलालेख, मोढ़िया का सूर्य मंदिर बराबर, तो सिद्धपुर का रुद्र महालय, वीरम गांव का तालाब, पाटीसी का देरा, सहसरलिंग तालाब, बड़ोदरा का राजमहल, ठीक है, जैसे बहुत सारे स्थल आए हुए हैं। फिर धार्मिक महत्व वाले स्थल में भी द्वारका का द्वारकाधीश का मंदिर है, ठीक है, और जगत गुरु शंकराचार्य का शारदा मीठ बार ज्योतिर्लिंगों में से सोमनाथ मंदिर भी यहाँ पे है गुजरात के अंदर। उत्तर गुजरात में अंबाजी, बहुचरा जी, महाकाली माता जी, पावागढ़, ठीक है, फिर जैन तीर्थ भी है, भावनगर जिला, पालीताना, रणछोड़ा जी का मंदिर है, डाकोर में, सामड़ा जी का है, अरवली जिला में, ये वगैरह तीर्थ स्थान हमारे गिनाए जाते हैं, लेकिन ये सब हमारी सांस्कृतिक विरासत है। अभी गुजरात के मेले, यहाँ पे बहुत सारे मेले दिए हुए हैं, लेकिन इसमें से जो महत्वपूर्ण मेले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो 14-15 जैसे मेले दिए हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो पहला है मोढेरा का मेला, वो महत्वपूर्ण है, वो आप तैयार कर लेना। वो तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा भवनाथ का मेला, वो शिवरात्रि गिरनार की तरेटी में भवनाथ जी के वहाँ पे होता है। तरणेतर का मेला, वो भी यहाँ पे पास में सुरेंद्रनगर के पास होता है, ठीक है। सातवें नंबर का भी कर लेना, नौवें नंबर पर का भी कर देना, माधवपुर का मेला पोरबंदर पे होता है। दसवां वोठा का मेला धोलका, वो भी IMP है। ग्यारहवें नंबर का भी IMP है। तेरहवें नंबर का भी जो है वो भी IMP है, गोल गधे का मेला गरबाड़ा दाहोद दिल्ली के अंदर, वो आदिवासियों का मेला है, वो भी वो IMP है। कितने IMP है वो आप तैयार कर लेना, बाकी सब कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं है। अभी भारत भूमि और वहाँ के जो लोग हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो बहुत सारे लोगों के बारे में दिया गया है, लेकिन हम थोड़ा बहुत जानेंगे। इसमें जो दूसरा नंबर का है ऑस्ट्रेलियाई, वो प्रजा जो है भारत के अंदर रहती है, कहाँ से क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह प्रजा अग्नि एशिया से आई थी, रंग श्याम, लंबा और चौड़ा सिर, छोटा कद, चपटी नाक, इनकी शारीरिक विशेषता थी। भारत में आए आर्य उन्हें निषाद कहते हैं। मिल प्रजा के लिए निषाद शब्द का प्रयोग किया जाता था। भारत की कोल और मुंडा जाति, असम की खासी प्रजा, निकोबार और ब्रह्मदेश, वर्तमान में म्यांमार की जाति में इस प्रजा के लक्षण विशेष देखने को मिलते हैं। भारत की संस्कृति और सभ्यता के विकास में इस प्रजा का योगदान विशिष्ट है। वे मिट्टी के बर्तन बनाने, खेती करने, सूती कपड़े बुनने जैसे कई कौशल के लिए जाने जाते थे। उनकी अपनी धार्मिक मान्यता भी थी। तीसरा है द्रविड़, ये भी IMP पॉइंट है, वो पढ़ लेते हैं। द्रविड़ों को मोहनजोदड़ो की सिंधु संस्कृति का सर्जक और पाषाण युग की संस्कृति का उत्तराधिकारी माना जाता है। उत्तर से ही विविध प्रजा की भाषा और सांस्कृतिक लक्षण बने रहे, कालांतर में द्रविड़ कहलाए। द्रविड़ों ने माता स्वरूप में देवी अर्थात पार्वती और बिंदु स्वरूप में परमात्मा का शिव की पूजा का ज्ञान दिया। दीप धूप और आरती से पूजा करने की परंपरा में द्रविड़ों से मिली ऐसा माना जाता है। इसके उपरांत प्रकृति और पशु पूजा द्रविड़ों की भेंट है। द्रविड़ों के मूल देव को आर्यों ने अपना लिया और उन्हें संस्कृति के देव रूप में पुनः स्थापित किया। समय के साथ साथ उत्तर के प्रचंड प्रभाव के तहत द्रविड़ों में आर्य संस्कृति गहराई तक पहुँची।
अंतर्राज्य विवाह संबंधी होने लगे। द्रविड़ों में मातृ प्रधान कुटुंब कथा प्रचलित थी। अवकाशीय ग्रहों के क्षेत्र में और विविध कलाएं जैसे कि कताई, बुनाई, रंगाई, रक्षा, नौका आदि क्षेत्र में उनका विशेष योगदान देखने को मिलता है। आर्य के प्रवृत्तों के बाद वे दक्षिण भारत की तरफ खिसकते गए और वहां स्थायी हो गए। आज दक्षिण भारत में द्रविड़ कुल की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषा में लोग रहते हैं। आरंभिक तमिल साहित्य भूमि की अभिव्यक्ति से पूर्ण था। आर्य पांचवा नंबर का आर्य है, वो आई एम पी देख लेते हैं, ठीक है। बाकी फालतू फिर आने वाला नहीं है, परिश्रम तो उसका टाइम पास नहीं करेंगे। भारत की आर्य सभ्यता की निर्माता आर्य लोग थे। प्राचीन काल में हिंदू आर्य कहलाते थे। उनकी मुख्य संख्या जिस प्रदेश में थी वह प्रदेश आर्यवर्त कहलाता था। प्राचीन काल में प्रथम आर्य जनसंख्या वायव्य भारत में भी थी। वहाँ सात बड़ी नदी होने के कारण उसे सप्त सिंधु का प्रदेश कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में पूर्व में मिथिला, बिहार तक और दक्षिण में विंध्याचल तक आर्यवर्त का विस्तार हो गया था। अन्य समकालीन प्रजा की तुलना में अधिक विकसित थे। आर्य भरत राजा था या भरतपुर के नाम से यह विशाल प्रदेश भरत भूमि, भरतखंड, भारत वंश, भारत जैसे नामों से पहचाने जाने लगा। आर्य प्रकृति प्रेमी थे। वे वृक्ष, पर्वत, नदी, सूर्य, वायु, वर्षा आदि की पूजा आराधना करते थे। उन्होंने इन सभी स्तुतियां ऋतु की रचना की थी। उस समय पश्चात वेद पाठ प्रचलित हुआ। कालांतर में उसमें से धार्मिक विधियां प्रारंभ हुई और उसके बाद यज्ञादि क्रियाएं बाद में शुरू हुई। भारत में विविध प्रजा की संस्कृति के विशिष्ट तत्वों को अपना कर एक समन्वित संस्कृति का सृजन हुआ। कालांतर में भारत में आकर स्थायी हो जाने वाली सभी जातियों के बीच विवाह संबंध द्वारा प्रजा का सम्मिश्रण होता रहा। सबके विशिष्ट रहन सहन, भाषा और विचार और धार्मिक मान्यताओं का भी समन्वय होता गया। इस तरह प्रारंभिक काल से अपने देश में एक समन्वयकारी संस्कृति का निर्माण होता रहा है जिसने भारत को भव्य एवं समृद्ध विरासत प्रदान की। भारत में रंग बिरंगी संस्कृति का विकास हुआ। ये लोग परस्पर इतना दूर मिल गए कि उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह गया, अर्थात उनका भारतीयकरण हो गया। इस तरह प्राचीन भारत में आई विविध प्रजा के सम्मिश्रण से भारत की सांस्कृतिक विरासत विविधता को रंग बिरंगी और समृद्ध बनी। ये विरासत की देखभाल और संरक्षण करने का हमारे संविधान में भी देखा है अनुच्छेद 51 कक के अंदर। तो तीन चीज लिखी है, पहली है हमारी सामाजिक सांस्कृतिक समृद्ध विरासत का महत्व समझे उसके परीक्षण का परिरक्षण का कर्तव्य। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव रक्षा करने और उसका संवर्धन करने का प्राणी मात्र से प्रति दयाभाव रखने का कर्तव्य। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने, हिंसा से दूर रखने के कर्तव्य का समावेश किया गया है। तो तीन संविधान में भी संरक्षण करने की बात की है जो हमारा सांस्कृतिक विरासत है, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म करते हैं। थैंक यू क्लास, आपका दिन मंगलमय हो। जय स्वामीनारायण।